नाम कमेटी टीम को दिया जाएगा। हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं भाई। आदि तीन सीआरपीएफ और भाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो भाई साथियों। बिल्कुल उत्तर भारत की सबसे बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता कराने का काम किया है भाई साहब ने। अजीत सिंह सीआरपीएफ और उनके पिता श्री सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए इस टूर्नामेंट के साथ साहब ताराचंद जी, उनके पुत्र श्री भी यहाँ पर आए थे भाई। दोनों टीम एक बार लाइन में पहुंचे और भाई मोहनी बालराम स्टेडियम रिढ़ाया की टीम इस समय ग्राउंड पर आ चुकी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। एक ग्रेड के टूर्नामेंट तमिलनाडु में प्रथम स्थान पर रहने वाली ये टीम है। बिल्कुल भारत की उच्च कोटि की सभी टीमें खेल रही थी, उसमें पहला स्थान इस टीम ने हासिल किया था और आज आपके बीच में पहुंची है। दोनों टीमों को कुछ एक और लाइनअप कर लें जो कि हमारे बीच में सुबह से विराजमान थे, उनके द्वारा टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी और ये बालूराम स्टेडियम रिढ़ाया की टीम से परिचय करते हुए दर्शक साथियों, ये हमारे ऑफिशियल सज्जन कौल साहब बदरानी। दुबई में भी इन्होंने प्रतियोगिता करवाई हुई है अनूप कौल साहब बदरानी और ये जो टीम है ये है भाई अर्जुन स्टेडियम जींद। अर्जुन स्टेडियम जींद बड़ी अच्छी टीम है। और मैच टाइम 12:12 ठीक है जी। चलो जी उसी का खिलाड़ी अभिषेक उर्फ तोमर कुशल जिला रोहतक इस समय रेड पर दर्शक साथियों। तोमर इस समय पहली रेड करता हुआ और बिल्कुल कैच लगा दी है, पॉइंट मिला भाई अर्जुन स्टेडियम जींद को। और अब रेड पर 14 नंबर जर्सी का खिलाड़ी बिल्कुल तैयार पर तैयार, नाम अनिरुद्ध गांव बीबीपुर जिला जींद, इस समय रेड करता हुआ 14 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई अनिरुद्ध गांव बीबीपुर जिला जींद। बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके बीच में होगा, बड़ी अच्छी अच्छी टीमें आपके बीच में पहुंची है भाई दर्शक साथियों। एक तरफ है अर्जुन स्टेडियम और पॉइंट अर्जुन स्टेडियम के खाते में, साहिल नरवाल से गलती हुई भाई दर्शक साथियों, गांव रेढ़ा जिला सोनीपत और पॉइंट मिला अर्जुन स्टेडियम जींद को। अब रेड पर 2 नंबर जर्सी का खिलाड़ी मोहित उर्फ बंगाली गांव लागौद जिला रोहतक इस समय रेड करता हुआ, बहुत ही अच्छी टीम हमारे बीच में है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे बीच में है और बिल्कुल मोहित पॉइंट लेने में कामयाब। और भाई अब रेड पर 49 नंबर जर्सी का खिलाड़ी नाम निकेश चहल और गांव कोटला जिला जींद इस समय रेड करता हुआ अर्जुन स्टेडियम जींद की तरफ से ये इस समय रेड कर रहा है, बड़ा बेहतरीन रेडर, पॉइंट लेने में कामयाब रहा। मनोज पत्रकार हरिभूमि दैनिक भास्कर जहाँ कहीं भी हो हमारे पास आने का कष्ट करें मनोज पत्रकार। और भाई अब रेड पर 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई साथियों हर्ष उर्फ बेबी गांव जसरखेड़ी जिला जज्जर इस समय रेड करता हूँ भाई साथियों, बहुत ही बेहतरीन रेडर हरियाणा प्रदेश के एक अच्छे रेडरों में इस खिलाड़ी का नाम है। लेकिन यहाँ पर शानदार कवर की जोड़ी जो कि गांव लखन मात्रा जिला रोहतक से भाई साथियों, चाहे प्रियांशु की बात हो चाहे मीस की बात हो, बिल्कुल शानदार टैकल कर लिया है गांव लखन मात्रा जिला रोहतक। अब फिर रेड पर निकेश इस समय रेड करता हूँ, सामने 4 खिलाड़ी तैयार पर तैयार, बहुत ही अच्छा मुकाबला आपके बीच चल रहा है। दोनों टीमें बड़ी अच्छी है, अर्जुन स्टेडियम जींद की टीम शुरुआत में आगे चल रही है। लेकिन ये भाई साथियों बिल्कुल गलती हुई, उनके भाई स्वागत के लिए 2 पॉइंट अर्जित कर लिया अर्जुन स्टेडियम जींद की टीम ने जी। भाई अजीत सीआरपीएफ हमारे बीच पहुंचे हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और भाई अब मोहित इस समय रेड पर, मोहित उर्फ बंगाली गांव लाडो जिला रोहतक, रोहतक शहर के नजदीक लगता गांव है, मकड़ोली के साथ में लगता हुआ गांव है लाडो, उस गांव का ये खिलाड़ी है, 19 लेने में कामयाब रहा निकेश चहल इस समय रेड पर। 2 खिलाड़ी बिल्कुल सुपर टैकल ऑन। अब हमारे पौड़ी ग्राम के सरपंच भाई प्रदीप जी अजीत सिंह जी को पगड़ी पहनाकर सम्मान देंगे भाई प्रबंध प्रदीप कुमार जी। आ, था।
बिल्कुल भाई सुपर टैकल 2 पॉइंट पर फिर रेड पर मोहित मोहित इस समय रेड करता हुआ एक बेहतरीन रेडर हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के लाडौत गांव का ये खिलाड़ी है सामने बिल्कुल तैयार पर तैयार अमीश और प्रियांशु को कवर जो कि गांव लखन माजरा जिला रोहतक बिल्कुल शानदार एक युवा खिलाड़ी है टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का सदस्य रहे दोनों सोनू भाई ग्राउंड नंबर 2 पर अंडर 16 का जो मैच है नेहरूगढ़ वर्सेस सुल्तान मोड़ी ए हाँ ये अगला मैच है दोनों टीमें तैयार हो जाए नेहरूगढ़ वर्सेस सुल्तान मोड़ी सोनू भाई जी रिपीट प्राइस और भाई भाई साहब की तरफ से जो प्राइस इस टूर्नामेंट में रखे गए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ उत्तर भारत की बड़ी टूर्नामेंट नेशनल कबड्डी की करवाने का यहाँ पर भाई साहब ने बहुत ही परमार्थ का कार्य किया है आप सबको समर्पित है ये टूर्नामेंट आप सबके मनोरंजन को और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिया है जिसका पहला इनाम 151,000 रुपए भाई दर्शक साथियों दूसरा इनाम 1,00,000 और सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 11,000 रुपए दे जाएंगे ताली बजाओ में भाई साहब के नाम की और लीजिए भाई दर्शक साथियों बिल्कुल ये दूसरा सुपर टैकल लगा दिया है ये है बरुआ स्टेडियम रेड हरियाणा की टीम चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो भाई साथियों बिल्कुल डिफेंस के लिए जानी जाती है दूसरा सुपर टैकल लगाकर इस मैच में अपनी वापसी करा दी है और भाई हमारे बीच में कुश्तियों के कोच जॉनसन कोच साहब गांव मुंडिया खेड़ा जिला महेंद्रगढ़ से पहुंच चुके हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो 7 और बालूराम स्टेडियम रिढ़ाना का स्कोर 6 बहुत ही नरवाल गांव रिढ़ाना जिला सोनीपत बड़ा बेहतरीन कवर पोजिशन का खिलाड़ी है बिल्कुल खोल में कबड्डी है साथियों बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गांव रिढ़ाना ने दिए हिंदुस्तान को खिलाड़ी रेड करता हुआ सामने दो खिलाड़ी तैयार पर तैयार देखते हैं कौन प्रयास करेगा कौन कैच लगाने का काम करेगा दो सुपर टैकल लगा चुकी है ये टीम निकेश सहल को इस बार अनिरुद्ध ने जिम्मा लिया है भाई रेड लगाने का बिल्कुल मामला देखने लायक होगा भाई दर्शक साथियों लेकिन इस बार भाई 4 पॉइंट अर्जित कर लिया भाई दर्शक साथियों और स्कोर की बात करें तो 12 पॉइंट अर्जुन स्टेडियम दीन और 6 पॉइंट बारूराम स्टेडियम ने कहा बिल्कुल मैं 4 पॉइंटों का नगद स्कोर किया था इस वजह से 12-6 का स्कोर हो चुका है फिर 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी भाई हर्ष होगा मैच की शुरुआत है और भाई ये जो टीकियों की जो कबड्डी होगी उसमें पहला प्राइज 31 दूसरा 21 और तीसरा और बोनस हाँ देखो बेटा बेटी एक समान उसमें कोई बात नहीं है हाँ तीसरा और बोलना जी क्योंकि हमें पता है और जहां उम्मीद होती है वही रिक्वेस्ट की जाती है तो बहुत ही अच्छे अच्छे भामा साहब दानवीर बिल्कुल आज इस क्षेत्र को भी गर्व है भाई अजीत सीआरपीएफ पर कि जिस प्रकार के खेलों में जिस प्रकार के आयोजनों में इनकी मदद जो खेल कमेटी को मेला कमेटी को मिल रही है ये बिल्कुल सराहनीय है इनके सहयोग से उत्तर भारत की सबसे बड़ी नेशनल स्टाइल कबड्डी कराने का गांव ने आज काम किया है बड़ी अच्छी अच्छी टीमें हमारे बीच में आई है मैं भाई अजीत सिंह जी को बता दूं कि पहले मैच में यहाँ पर भारतीय थलसेना की टीम खेली थी दूसरे मैच में सीआरपीएफ की टीम खेली थी तीसरे मैच में सीआईएसएफ की टीम खेली थी और एयरफोर्स की टीम अभी खेलना बाकी है यानी कि सभी सेनाओं की टीम हमारे बीच में आई है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनको साहब का भी जो एक मैसेज पर इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं और एक और बात आप सबको बता दें कि आपके अपने जिले का खिलाड़ी सचिन तंवर इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी है प्रो कबड्डी में एक बार ताली बजाओ भाई पाथेड़ा गांव का सचिन तंवर 2,15,00,000 की नीलामी में इस बार तमिल थराइवास टीम का हिस्सा है यानी कि सबसे महंगा खिलाड़ी का जो इस बार का जो खिताब है वो सचिन तंवर गांव पाथेड़ा जिला महेंद्रगढ़ के नाम है
थर्ड रेड दो ढाई रेड भाई, और भाई निकेश चहली सेवेंटी साइड रेड पर। अंडर 16 की भी सभी टीमें ध्यान दें, आप सहयोग करती रहे, नजदीक रहे ग्राउंड के, बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है। और भाई बेटियों का टूर्नामेंट भी अगली बार आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की उच्च कोटि की बेटियों की टीम भी आपके बीच में होगी। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, और अगली बार बेटियों के टूर्नामेंट का भी अनाउंसमेंट कर दिया कि बेटियों का टूर्नामेंट भी होगा। 31,000 पहला इनाम, 21,000 दूसरा इनाम, और भाई तीसरे इनाम पर सोचेंगे भी सोचेंगे। हाँ, सोच विचार है तो बिल्कुल आप ये मान के चले कि लगभग लगभग वो 99% तय है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुसार है, सभी बातों को सोचते समझते हैं। पुरुष वर्ग में भी 4 इनाम है, तो वहां पर भी तीसरा इनाम होना जरूरी है। और बहुत बड़ी टूर्नामेंट हो जाएगी भाई, जहां पर बेटे और बेटियों की टूर्नामेंट। और लीजिए भाई, बिल्कुल कैच लगा दी है पॉइंट बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना के खाते में, और अब ऑल आउट का खतरा। रेड पर 2 नंबर जर्सी का खिलाड़ी मोहित उर्फ बंगाली सुपर टैकल ऑन प्रियांशु और निकेश सहल इस समय कोर्ट पर है। 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी प्रियांशु गांव लाखन माजरा, और 49 नंबर जर्सी का खिलाड़ी निकेश सहल। रेड सेफ करार दिया गया, क्योंकि आप मामला ये हो गया, आप किसी को किट के जरिए खींचकर नहीं रोक सकते। अब रेड पर 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी मजबूत कदकाठी, नाम है विक्की गांव बड़ताना जिला जींद, इस समय रेड पर। बोनस दे दिया है विक्की को, और जहां लग रहा था कि बारूराम स्टेडियम रिढ़ाया की टीम 14-16 का स्कोर 7 घंटे लगातार सफर करने के बाद यहां पर पहुंची है तमिलनाडु में। ये ए ग्रेड के टूर्नामेंट की प्रथम स्थान की टीम थी, 3,00,000 रुपए का इनाम था, वो जीतने का काम किया था इस टीम ने, और लगातार 7 घंटे का सफर तय करके सुबह ये उतरने के बाद दिल्ली और फिर यहां पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक और पॉइंट, हर्ष गांव जसरखेड़ी जिला झज्जर एक और पॉइंट बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना के लिए जोड़ चुका है। 16 की जो टीमें हैं भाई, वो भी ग्राउंड के नजदीक रहे, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी। वहां पर ये मान के चले कि भाई छोटे पटाखे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मिसाइल और परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर इस समय रेड पर, बड़ा अच्छा जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के मध्य, और पॉइंट लेने में कामयाब। बजाओ भाई दर्शक साथियों, 3,00,000 रुपए का प्राइस। जब इतनी सुन के भी ताली नहीं बाजी, तो अगले जन्म में फिर घर घर जाकर बजानी पड़ेगी। उसके बाद 3,50,000, अगले बार 3,25,00,000। धन्यवाद करते हैं भाई अजीत सिंह का। और देखिए भाई, ऐसे ऐसे दानदाता हमारे बीच में है, दानवीर कर्ण जैसी उपाधि दी जाए तो कोई कम नहीं। अब की बार पौने प्राइस था उसको 3,25,00,000 कर दिया भाई साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई अजीत सिंह जी का और उनके पूरे परिवार का, जिस प्रकार आस है, हौसला है, और इस टूर्नामेंट को बिल्कुल उन्होंने भारत के गिनती के जिन टूर्नामेंटों का नाम होता है उन टूर्नामेंटों में शामिल करवा दिया है। इस प्रकार की इनामों की घोषणा आज करके सभी टीमों को पता है। मैं बता रहा हूँ कि बारूराम स्टेडियम रिढ़ाना की टीम ए ग्रेड के टूर्नामेंट की प्रथम स्थान की टीम है, जिसने 3,00,000 रुपए का भारत नाम किया, सभी को हराकर प्रथम स्थान पर रही। आज हमारे बीच में है और ये खिलाड़ी लगातार फोन से संपर्क में, देखिए पहुंच जाएंगे टाइम पर, और ये पहुंचे भी तो खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी छोटे भाई इस खेल को बड़ा प्रेम करते हैं। अब हर्ष इस समय रेड डिसाइड रेड, 14 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अनिरुद्ध इस समय डिसाइड रेड करता हुआ, बिल्कुल जींद जिले का गांव बीबीपुर, उस गांव का ये खिलाड़ी है अर्जुन स्टेडियम जींद में अभ्यास करता है अपने आप हो जाएगा। और पॉइंट का दावा, और पॉइंट अनिरुद्ध के खाते में, पॉइंट अर्जुन स्टेडियम जींद के खाते में। अपने को तो पड़क नहीं होता है। फिर रेड पर 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी हर्ष उर्फ बेबी, और गांव है जसरखेड़ी जिला झज्जर, बड़ा अच्छा खिलाड़ी नेशनल स्टाइल कबड्डी का। आने वाले समय में
आप आने वाले सीजन में इस खिलाड़ी को प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट में देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, जब आपको ये दिन याद आएगा कि भाई उस दिन भाई अजीत सिंह ने जो टूर्नामेंट कराई थी उसमें ये खिलाड़ी हर्ष हमारे सामने खेल के गया था और दो पॉइंट अर्जित कर लिया हर्ष ने। और भाई अजीत सिंह के परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि भाई आप बिल्कुल पुण्य का कार्य कर रहे हैं, परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। आपकी इस बार 3.25 लाख का इनाम था, वहां अगली बार 3.25 लाख का करके आपने ये सबको दिखा दिया है कि भाई दान करने की कोई लिमिट नहीं है, आपके अंदर की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। मोहित इस समय रेड पर बैठ जाए, दिल में ना उसको और दवाई लागे और मैं ना अपना के मान्य करता, जिसके सिंह पर आई लागे बुरे काम में वो लाख थूक दे ना एक भी बोला पाई लागे, और भले भागो उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लागे, भले भागो उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लागे। आपके बहुत अच्छे भाग्य है कि आप एक परमार्थ और पुण्य के कार्य में आपका पैसा खर्च हो रहा है। आप देख रहे होगा जो हमारे समाज की हालत है, 8 से 7 बाद सब एक ही रास्ते पर आपको चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपने इस गांव को भी इस क्षेत्र को भी ये एहसास करवाया कि आप इसी प्रकार खेल कूद में अपने गांव की रुचि बनाए, अपने क्षेत्र की रुचि बनाए। ये जो खिलाड़ी हैं ये कम से कम उन आदतों से तो बचे हुए हैं जिन आदतों से हम परेशान हैं, हमारे समाज में बड़ी अच्छी तरह से वो उनसे कम से कम ये सुरक्षित है, बचे हुए हैं। इनका काम खेलना है, ये दोनों टाइम ग्राउंडों पर अभ्यास करते हैं और फिर टूर्नामेंटों में अपनी टीम लेकर आते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, खिलाड़ी के लिए खेलना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सेकंड के 16वें हिस्से में इनका दिमाग काम करती, साहिल रेड को साइड से पहुंचने का काम किया, पॉइंट अर्जित किया, थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड और सुपर टैकल ऑन बाय दर्शक साथियों। ये बिल्कुल प्रो कबड्डी का रूल है, 2014 में जब प्रो कबड्डी आई तो इस रूल का आगाज हुआ कि थर्ड रेड या तीसरी रेड डिसाइड और 3 से कम खिलाड़ी यदि रेडर को कैच लगाएंगे तो वही एक शिकार को उपहार यानी कि 2 पॉइंट मिलेंगे। बिल्कुल हाथ खुल चुकी है मशीन की, हाथ खुल चुकी है, हर्ष प्रयास कर रहे हैं भाई साथियों, लेकिन कैच भी लग चुकी है, पॉइंट अर्जुन स्टेडियम जीत को मिल चुके हैं। लक्ष्मण 19-23 का स्कोर, 19-23 का स्कोर है भाई साथियों, 4 पॉइंट से वारुणाम स्टेडियम रेड हाँ की टीम आगे चल रही है। अर्जुन स्टेडियम जेद की टीम के पास वो टैलेंट है कि वो इस मैच में वापसी कर सकती है। वारुणाम स्टेडियम रेडाना की टीम लीड को बढ़ाना चाहेगी। और भाई रेडर आउट ऑफिशियल अर्जुनी और अपने समय के बड़े अच्छे खिलाड़ी और आज के अच्छे कोच और बड़े अच्छे खेल और खिलाड़ियों की जानकारी रखते हैं और उनके साथ उन्हीं के शिष्य जॉनसन उर्फ जॉनी गांव मुंडिया खेड़ा वो कुश्तियां कराएंगे और बिल्कुल कैच लगा दिया मैं दर्शक साथियों, पॉइंट वारुणाम स्टेडियम रेढ़ाना के खाते में आ चुका है। 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी हर्ष उर्फ बेबी गांव जसल के लिए जिला झज्जर इस समय रेड करता हुआ, बड़ी अच्छी टीम में हमारे बीच में आई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी खेल कमेटी का जिन्होंने सभी अच्छी टीमों से संपर्क किया और टीमों को यहां बुलाने का कार्य किया। समय अपनी गति है चलता, प्यार के डिफेंस में फिर एक बार हर्ष रेड पर, हर्ष को पता है कि टीम आगे चल रही है। आखिरी 5 मिनट का समय है, आखिरी 5 मिनट इस मैच में शेष, 20-24 का स्कोर, 4 पॉइंट तो लीड वारुणाम स्टेडियम रेढ़ाना के पक्ष में। अगले मैच की दोनों टीमें पैसवाल सोनीपत वर्सेस राजीव गांधी स्टेडियम, दोनों टीमें तैयार होके वार्म अप होके मैदान के नजदीक आ जाए, उनका अगला मुकाबला है। और स्पोर्ट्स अकेडमी रोहतक वो दोनों टीमें तैयार रहे। चार के डिफेंस में फिर हर्ष रेड पर डिसाइड रेड और हर्ष को पता है और भाई सादा रेड रेडी है दर्शक साथियों, बिल्कुल पूरा अनुमान से कॉर्नर को टच किया। और शैलेंद्र कौर साहब आप तो बड़ी कुश्ती के पहलवान है, अच्छा डिसाइड रेड भाई दर्शक साथियों,
विक्की इस समय डिसाइड रेड करता हुआ, विक्की इस समय रेड कर गांव बरताना जिला जीत का खिलाड़ी, लेकिन शिकार कर दिया भाई रोहतक के लाडौत गांव के बेटे ने, पॉइंट अर्जित कर लिया अपनी टीम। दो खिलाड़ी दोनों के दोनों बड़े बेहतरीन डिफेंडर है भाई, चाहे मोटू की बात हो चाहे अमीश की बात हो, दोनों के अंदर वो टैलेंट है कि वो कैच बना सकते हैं, ये अनुमान है। हर्ष को भी पता है दोनों खिलाड़ियों के बारे में, क्योंकि ये सभी की आखिरी तीन मिनट से चार नंबर जर्सी का खिलाड़ी मोटू इस समय रेड करता हुआ, और बिल्कुल भाई शिकार कर दिया भाई साथियों, पॉइंट दारू राम के पक्ष में, और अब समाप्त हो चुका है भाई मैच, समाप्त हो चुका है इस मैच में। बालूराम स्टेडियम रेडहाना की टीम ने